बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे अब जो है ये जो प्रॉब्लम है पेंडेमिक की, उस वजह से हमें घरों पर स्टे करना है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक बहुत अच्छा एक जो है हमें लाया अमल दिया कि हम लोग जो है इस तरह से ऑनलाइन या जो सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकें। तो मेरा बिलखसूस जो है मेरे स्विक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए आज जो है अपना ये लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो सब स्टूडेंट्स ने मद्देनज़र रखना है कि ये सेकेंड ईयर में चुके मुताला पाकिस्तान भी है और ये सेकेंड ईयर की ही स्विक्स है। तो ये टॉपिक जो है नज़रिया पाकिस्तान का, ये हमारे दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ भी और उसके साथ साथ जो है स्विक्स, ये दोनों में ही है। तो ये एक टॉपिक आपको दोनों सब्जेक्ट्स की जो है वो तैयारी में हेल्पफुल होगा। तो बेटा ये देखते हैं कि हम आगाज़ करते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और हमें ये भी मालूम है कि ये वाला जो सदी है ये 20वीं सदी, और 20वीं सदी में बहुत सारी कौमों को आज़ादी मिली, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो दुनिया के नक्शे पर उभरे। और इसी तरह से आप देखें कि जो पाकिस्तान है इसकी बुनियाद बिल्कुल मुनफरिद और जुदागाना है, क्योंकि जो बाकी ममालिक थे उनका क्या था निज़ाम के वो नस्ल, ज़ुबान और इलाका की बुनियाद पर जो है वो तश्कील किए गए या वो दुनिया के जो है नक्शा उस पर वो उभरे। लेकिन जो हमारा ममलकते जो पाकिस्तान है इसका तसव्वुर जो है वो बेस करता है नज़रिया इस्लाम पर, और फिर इसी तरह से वही हमारा नज़रिया इस्लाम जो है वो नज़रिया पाकिस्तान ठहरा। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एक मज़बूत नज़रिया जिसके तहत ये बना, बल्कि कहा जाता है कि दुनिया में दो जो है वो नज़रियाती ममालिक हैं जिनमें से एक पाकिस्तान है, जो कि किसी नज़रिया के तहत जो है वो तश्कील पाए। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के क़याम का वाज़े शोर और पुख्ता अज़्म जो है इसके लिए हमें नज़रिया का जो फ़हम है वो ज़रूरी है। फ़हम से मुराद क्या होता है? सूझबूझ, उस चीज़ को समझना, इसको जो है हम उसका फ़हम बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो नज़रिया जो है ये क्या है। अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ आइडियालॉजी, उससे निकाला गया है। और आइडियालॉजी जो है इसको तश्कील देने के लिए, नज़रिया के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट भी नज़रिया के लिए इस्तेमाल होता है, आइडिया भी इस्तेमाल होता है, थॉट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आइडियालॉजी बिलखसूस हम उस नज़रिया को लेते हैं जिसमें अमूमियत आ जाए और वो किसी ख़ास कौम से मुतल्लिक हो और उस कौम की अक्सरियत जो है उससे अपने नस्बुल ऐन के तौर पर लेती हो। आगे हम देखते हैं एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र डॉक्टर जॉर्ज ब्रास जो है, हम ये देखते हैं कि उन्होंने इसकी तारीफ़ क्या बयान की। डॉक्टर जॉर्ज ब्रास ये कहते हैं, आम ज़िंदगी का ज़ाबता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्रो फ़लसफ़ा पर उस्तवार हो आइडियालॉजी कहलाता है। यहाँ बेटा आपने ये जहन में रखना है कि कुछ इसमें अल्फाज इस डेफिनेशन के अंदर वो आपको समझना होंगे कि ज़ाबता से मुराद होता है असूलों का मजमुआ, ठीक है। तो ये ज़ाबता हो सकता है या क्या हो सकता है, कोई प्रोग्राम, और उसकी बुनियाद किसके ऊपर होगी, फ़िक्रो फ़लसफ़ा पर। उस्तवार का मतलब क्या है, कायम हो, उसको हम आइडियालॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 की वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपकी डेफिनेशन बेस करती है, उन अल्फाज को आप जहन में रख लें तो आपके जहन में जो है ये तारीफ या डेफिनेशन पूरी तरह बैठ जाएगी। कैसे, देखिए, एक ज़ाबता, ठीक है, प्रोग्राम, और उसकी बुनियाद किस पर है, फ़िक्रो फ़लसफ़ा पर। तो ये 3 वर्ड्स आपने जहन में रखना है कि आम ज़िंदगी का ज़ाबता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्रो फ़लसफ़ा पर उस्तवार हो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियालॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के, उसमें तारीफ़ क्या बयान की गई है। यहाँ बेटा एक लफ्ज़ जहन में रखना है, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं मजमूअल उलूम,
आप लोग आमतौर पर डिक्शनरी यूज़ करते हैं, डिक्शनरी लुग़त होती है, उसमें क्या होता है कि किसी भी जिस ज़ुबान की वो डिक्शनरी है उसके अल्फाज के मानी बताए गए होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मजमुआ उल उलूम होता है कि इसमें हर चीज़ मतलब शख्सियात हो गई, शहर हो गए, अजायबात हो गए, उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो एक इसी तरह से इंसाइक्लोपीडिया है जो कि वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर क्या देखें कि उसके मुताबिक ये क्या गया कि नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का मजमुआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं। ये किसी कौम या सकाफत के फितरी नशोनुमा के अमल में मदगम भी हो सकता है। यहाँ बेटा ये बुक के अंदर गलती है, वो देख लीजिएगा, यहाँ उन्होंने लिखा है मदगम हो सकती है, तो ये मदगम हो सकता है का मानी में आएगा। सियासी और तमदनी, सियासी से मुराद ये होता है ऐसा अमल जिसका ताल्लुक जो है वो हकूमत और रियासत के साथ होता है। तमदनी से मुराद रहन सहन, तो इससे मुराद क्या आ गया कि हमारी दो चीज़ें यानी कि सियासत हकूमत और हमारी जो रहन सहन इसके असूलों का मजमुआ, असूलों का मजमुआ वही आ गया जो हमने पहले पढ़ा, ज़ाबता भी होता है वो, जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं यानी किसी कौम या तहजीब की जो बुनियादें कायम होती हैं ये किसी कौम या सकाफत के फितरी नशोनुमा के अमल में मदगम भी हो सकता है, यानी उनका जो फितरती अमल है उसमें भी वो उसके अंदर जम हो जाता है, उसके अंदर मिल जाता है। लाइक जैसे अब देखिए कि हमारे पाकिस्तान में अब हमारा जो नज़रिया पाकिस्तान है वो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे फितरती नशोनुमा के अमल में वो उसी तरह से हमारे साथ शामिल हो चुका है। अब इसकी जनरल तारीफ जो बुक के अंदर बयान की गई है वो ये है कि नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाबता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और फ़िक्र पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, मुआशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो। तो नज़रिया से मुराद हम कहेंगे ज़ाबता असूलों का मजमू आ गया, उसकी बुनियाद किस पर है, फ़लसफ़ा और फ़िक्र पर है, यानी कि फ़िक्र का फ़लसफ़ा, फ़लसफ़ा का मतलब होता है गहरी सोच, किसी की चीज़ की बहुत गहराई में चले जाना, और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, मुआशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो। तो इन शॉर्ट हम इसे ये देखते हैं कि कोई ख्याल या तसव्वुर जो किसी खास कौम से मुतालिक हो और उसमें अमूमियत आ जाए, मतलब पूरी कौम के साथ जो है वो जुड़ जाए, उसको जो है हम बोलते हैं आइडियालॉजी या नज़रिया। तो ये था हमारा आइडियालॉजी या नज़रिया पाकिस्तान। स्टे होम, स्टे सेफ, और अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमाए और हमें जो है इस मुश्किल से निकाले। आमीन।